बांधवगढ़ इंडिया का एक ऐसा जंगल है जो हजारों किस्म के जंगली जानवरों का घर है। लेकिन उन हजारों किस्म के जंगली जानवरों में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और अतीत में इसी बांधवगढ़ के जंगलों में ऐसे बहुत से टाइगर्स ने जन्म लिया है जिन्होंने न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। एक ऐसा ही टाइगर जिसकी कहानी शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। आप सभी को ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज की तारीख में बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर्स मौजूद है उनमें से ज्यादातर टाइगर्स एक खतरनाक लड़ाकू और बहुत ही मशहूर टाइगर के वंशज है और उस मशहूर टाइगर का नाम है किंग चार्जर। सही सुना आपने, आज बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर्स जी रहे हैं उनमें से ज्यादातर टाइगर्स चार्जर नाम के टाइगर के ही वंशज है। आज भले ही बांधवगढ़ में टाइगर्स की गिनती बहुत ज्यादा है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे बांधवगढ़ में चार्जर और कुछ ही टाइगर्स बचे हुए थे। लेकिन आगे चलकर किंग चार्जर और उसकी इकलौती क्वीन सीता टाइगरेस के कुल 23 बच्चे हुए। उसके बाद बांधवगढ़ में बाघों की गिनती बढ़ने लगी। बांधवगढ़ जिसका मतलब है भाई का किला, दरअसल इस नाम के पीछे का कारण यह है कि भगवान श्री राम ने बांधवगढ़ किले को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को तोहफे में दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बांधवगढ़ पहले देवताओं का, फिर राजा महाराजाओं का और अब बाघों का आशियाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बांधवगढ़ के सबसे मशहूर टाइगर चार्जर के बारे में और जानते हैं कि उसने उसकी जिंदगी में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे वो चार्जर के नाम से मशहूर हो गया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनने से पहले रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह का निजी खेल अभयारण्य था। राजा और उसके दोस्त हाथी की पीठ पर सवार होकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। लेकिन जब इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बाघों की घटती आबादी को देखकर सन 1968 में बांधवगढ़ को एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। लेकिन बात करें आज की तो आज के समय बांधवगढ़ की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी वाले क्षेत्र में की जाती है। वैसे तो बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में कुछ ही इलाके ऐसे है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जैसे ताला रेंज का चक्रधारा इलाका। साल 1991 में ताला रेंज के चक्रधारा इलाके पर एक बहुत ही मस्क्यूलर और मैसिव टाइगर बनका का कब्जा था। जितना सुंदर उसका नाम था उतना ही शानदार वो टाइगर था। हमेशा की तरह बनका अपने इलाके की पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान जब बनका आमा नाला रोड के करीब पहुंचा, तब अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनने के लिए बनका बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। ये एक टाइगर की दहाड़ थी और उस टाइगर की दहाड़ बनका की दहाड़ से कई गुना डरावनी लग रही थी। जिस दिशा से दहाड़ने की आवाजें आ रही थी बनका भी उसी दिशा में गौर से देख रहा था। पूरा जंगल शांत हो चुका था, बनका के दोनों कान खड़े हो चुके थे। तभी बनका को दहाड़ने की आवाजों के साथ साथ दौड़ने की भी आवाजें आने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक से पास वाली झाड़ियों में से एक बड़ा सा टाइगर निकला, मानो वो एक ही छलांग में बनका के सामने आकर खड़ा हो गया हो। दहाड़ते हुए और अचानक से बनका के सामने आकर खड़े हो जाने का सीधा सा मतलब था कि या तो बनका को इलाका छोड़कर जाना होगा या फिर लड़ने के लिए उस टाइगर के इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि बनका लड़ने के लिए तैयार नहीं लग रहा था जब वो अनजान टाइगर बिना किसी वार्निंग के बिजली की तेज गति की तरह बनका पर टूट पड़ा। तब उसकी ऐसी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो अनजान टाइगर बनका से न केवल लड़ने के लिए उत्सुक था बल्कि उसका इलाका हथियाने के लिए भी उत्सुक था। हालांकि बनका भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं हटा और उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई थी। शुरुआत में जब दोनों लड़ रहे थे तब ये कहना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन फिर कुछ देर बाद उस अनजान टाइगर ने अपने नुकीले पंजों को
को बनका के स्कूल और खोपड़ी में गड़ाना शुरू कर दिया। उस अनजान टाइगर के लड़ने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर हारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। फिर कुछ ही देर बाद वो अनजान टाइगर बनका पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगा। अब खून से लथपथ बनका भी समझ चुका था कि उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ेगा, और उसने वही किया। बनका घायल अवस्था में युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया। उसके बाद उस नए टाइगर की एक जोरदार दहाड़ ने ये ऐलान कर दिया था कि अब ताला रेंज का राजा बदल चुका है। अगले दिन उगते हुए सूरज के साथ एक नए दिन की शुरुआत हुई। लोग जंगल सफारी के लिए तैयार हो चुके थे। सबसे पहले जंगल ट्रैकर्स की एक टीम जंगल के अंदर गई। जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर एक मोड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने एक टाइगर को घायल अवस्था में बैठे हुए देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी को उस टाइगर के थोड़ा और करीब ले जाकर देखना चाहा कि वो बनका टाइगर ही है या नहीं, लेकिन वो यंग टाइगर तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया और वो घुर्राते हुए गाड़ी में बैठे लोगों को देखने लगा। उसके बाद वो यंग टाइगर उन लोगों पर चार्ज करने की पोजीशन में आ गया और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो गाड़ी के तरफ कूद पड़ा। इससे गाड़ी में बैठे लोग न केवल डर गए थे बल्कि एक ही दहाड़ से सब के सब सुन्न भी हो गए थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो टाइगर केवल दिखावटी हमला ही कर रहा था और फिर वो तुरंत ही जंगलों में कहीं गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद जीप में बैठे लोगों ने तुरंत ही जीप को पीछे लिया और वहाँ से निकल गए। लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने ये बात पूरे बांधवगढ़ में फैला दी कि बनका पागल हो गया है और वो सब पर हमला कर रहा है। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही आसपास के गांवों से बनका जैसे टाइगर को देखे जाने की खबरें आने लगी और अब वन विभाग के अधिकारियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि आखिरकार दो जगह पर एक ही टाइगर कैसे हो सकता है, और अगर टाइगर दो है तो वो दूसरा टाइगर है कौन। लेकिन फिर एक कुटप्पन नाम के अनुभवी महावत ने इस गुत्थी को सुलझाना चाहा और फिर वो अपने गौतम हाथी पर सवार होकर घने जंगलों में बनका और उस यंग टाइगर की तलाश में निकल गया। घने जंगल में पहुंचने के बाद उसे दूर से एक टाइगर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर कुछ देर बाद वो आवाजें बहुत ही नजदीक से आने लगी और फिर अचानक से एक बड़ा सा खतरनाक टाइगर गौतम हाथी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने गौतम पर चार्ज कर दिया। लेकिन कुटप्पन किसी तरह गौतम को खुले मैदान में ले आया और बाद में उसने ये ऐलान कर दिया कि जंगल में एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाला खतरनाक टाइगर घुस आया है जो किसी से भी नहीं डरता है। बार बार जो भी सामने आए उस पर चार्ज कर देने की वजह से बांधवगढ़ के लोगों ने उस यंग टाइगर का नाम रख दिया चार्जर। वैसे तो ये बात कोई भी नहीं जानता कि चार्जर टाइगर का जन्म कहाँ हुआ था और वो बांधवगढ़ का था भी या नहीं। उसे पहली बार 1991 में ही देखा गया था जब उसने बनका को हरा कर ताला रेंज को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने ताला रेंज पर लगभग 10 सालों तक लगातार राज किया और वो अपने आखिरी दिनों तक भी एक बहुत ही ताकतवर टाइगर बना रहा। चार्जर में ऐसी बहुत सी बातें थी जिसके चलते वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा फेमस था। चार्जर में और भी एक बात ऐसी थी जो उसे सबसे खास बनाती थी। ज्यादातर मामलों में एक टाइगर अपने पूरे जीवन काल में दो से ज्यादा ही टाइगर्स के साथ मेटिंग करते हैं, लेकिन किंग चार्जर ने अपने पूरे लाइफ में केवल एक ही टाइगर्स को अपना पार्टनर बनाए रखा था और उस टाइगर्स का नाम था सीता। उन दोनों में एक दूसरे के लिए बेइम्तिहान मोहब्बत थी। चार्जर को देखकर भले ही लगता होगा कि वो एक बिस्ट है और उसके सीने में दिल नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी क्योंकि चार्जर न केवल अपनी क्वीन सीता का बल्कि अपने बच्चों का भी पूरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो वो सीता और अपने बच्चों के लिए शिकार भी लाया करता था। पूरे भारतीय वाइल्ड लाइफ के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखा गया था कि टाइगर कब्स के पिता हर वक्त उन्हीं के साथ रहते हो। यहाँ तक कि चार्जर का एक ऐसा बेटा था जो कि 4 साल से भी ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी अपने पिता के साथ ही रहा करता था और चार्जर को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एक समय ऐसा था जब बांधवगढ़ में टाइगर्स की गिनती बहुत ही कम होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि कहीं बांधवगढ़ में टाइगर्स विलुप्त न हो जाए, लेकिन तभी चार्जर और सीता एक साथ आ
आए और आगे चलकर उन्होंने 23 बच्चों को जन्म दिया और इसी की वजह से बांधवगढ़ में बाघों का भविष्य सुधर गया। चार्जर के अक्सर दूसरे टाइगर से लड़ाइयां हुआ करती थी लेकिन हर बार जीत भी उसी की हो जाती थी। लेकिन फिर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसने चार्जर को एक बहुत ही गहरा घाव दे दिया और वो घाव ये था कि उसकी क्वीन सीता अचानक से कहीं गायब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उसे पोचर्स यानी गैर कानूनी रूप से इंसानों द्वारा मार दिया गया था। इसके बाद चार्जर ने कभी भी किसी दूसरी टाइगरेस को अपना पार्टनर नहीं बनाया और वो बढ़ते वक्त के साथ कमजोर भी होता गया और उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी जिसके चलते उसे शिकार करने में भी दिक्कत होने लगी थी। और फिर वो स्कैवेंजिंग करके ही अपना गुजारा करने लगा था और रहने के लिए उसने बरुआ नाला वाले एरिया को चुन लिया था, यानी वो ज्यादातर बरुआ नाला के पास ही रहा करता था। फिर कुछ दिन बाद उसकी लड़ाई उसके एक पोते B1 से हुई लेकिन इस लड़ाई में चार्जर ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया। लेकिन जून 2000 में चार्जर की लड़ाई उसके सबसे ताकतवर पोते B2 से हुई जिसने चार्जर के साम्राज्य का तख्ता ही पलट कर रख दिया। एक हफ्ते बाद चार्जर को मर्दरी गांव के पास अधमरे हालत में पाया गया जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे ट्रैंक्विलाइज करके अपने साथ ले गए। बाद में उसका इलाज किया गया और उसके लिए एक बाड़ा भी बनवाया गया जहां उसकी आगे की जिंदगी कटने वाली थी। लेकिन चार्जर को कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने बाड़े के अंदर से ही किसी पर भी चार्ज कर देता था। चार्जर अपने बाड़े में ऐसा घुमा करता था जैसे वो उसके इलाके में गश्त लगा रहा हो। वो अपने बाड़े के पास आने वाले हर एक इंसान पर दहाड़ता और घुर्राता था। वह एक बंदी राजा के समान था जिसने अपने अहंकार, वीरता और राजसी अंदाज को कभी भी नहीं छोड़ा था। हार मान लेना और पीछे हटना ये कभी भी उसने नहीं सीखा था, बस उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। और साल 2000 के सितंबर महीने के 29 तारीख को चार्जर ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। वो अंतिम क्षणों के दौरान ना ही रोया था और ना ही उसने अपने शाही अंदाज को छोड़ा था, बल्कि वो तो एक योद्धा की तरह खुले हाथों से मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। चार्जर के मर जाने के बाद उसके सम्मान में मगधी गेट पर उसके अंतिम घर के जगह का नाम चार्जर पॉइंट रखा गया। चार्जर जिसने भारतीय वन्य जीव के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है और बांधवगढ़ के बाघों को एक बेहतर भविष्य दिया है। उसके पगमार्क भले ही समय की रेत पर फीके पड़ गए हो लेकिन हर वो इंसान जिसने चार्जर के बारे में सुना था उनके दिलों में चार्जर हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।